वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद इतना तो पता चला होगा कि हम कहाँ पर हैं। यस, ओलो फॉरेस्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छी पिकनिक पॉइंट है। और आज हम लोग यहाँ पर आए थे, बच्चों की जिद थी कि नहाने के लिए जाना है यहाँ पर। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल बारिश कम होने के कारण यहाँ पर पानी कम है। तो आफ्टर दैट हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे नहीं नहाएंगे। हमने पूल पार्टी का आयोजन किया है, तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे रिसोर्ट में। तो चलिए चलते हैं रिसोर्ट में, मज़ा आ जाएगा। हेलो, केम छो? तो दोस्तों, फाइनली वी आर एट पोलो लायन रिसोर्ट। तो एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट है और आज हम लोग यहाँ पर बच्चों को घुमाने वाले हैं और हम भी घूमने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम लोग पूल पार्टी करने वाले हैं। पूल पार्टी यानी स्विमिंग पूल है यहाँ पर, और रिसोर्ट है तो स्विमिंग पूल होगा ही। तो आज की एक बढ़िया एंजॉय करने के लिए पूल पार्टी रखी है। तो चलिए मैं आपको पूरा रिसोर्ट दिखाता हूँ। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया रूम्स है, सर्विस है, और बिल्कुल देसी स्टाइल से यहाँ ढाबे वाले रूम्स बनाए हुए हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। बहुत ही बड़ी जगह है ये। यहाँ पर यहाँ के ओनर जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ के ओनर है। आप देखिए पूरी जगह कितनी बड़ी जगह है, और बहुत ही बढ़िया प्लानिंग है यहाँ पर। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा रिसोर्ट और उसके रूम्स कैसे हैं ये सब। ये यहाँ के ओनर है, कैसे है सर जी? चलिए देखिए हमारी टीम, ये बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हमें भी बहुत मज़ा आया। पहले मैं आपको पूरा रिसोर्ट दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग पूल पे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं एक और बहुत ही बढ़िया एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हाइट पे एक पॉइंट बनाया हुआ है कि ये रिसोर्ट को आप बहुत ऊंचे हाइट से पूरा रिसोर्ट देख सकते हैं। देखिए मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ पूरा रिसोर्ट, और ये हाइट पे फोटो शूटिंग करने के लिए और बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत बढ़िया जगह बनाई हुई है। आप देखिए पूरा रिसोर्ट खेतों के बीचों बीच रिसोर्ट है पूरा, और बहुत ही बड़ी और बढ़िया जगह है। यहाँ पे आपको बतख, घोड़े सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आफ्टर दैट ये बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट होने वाला है। आपको मैं अंडर कंस्ट्रक्शन भी जो है वो दिखाने वाला हूँ। तो आप देखिए बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। ये बतख और सामने की ओर घोड़े हैं, उनका तबेला मैं आपको दिखाऊंगा। आगे देखते हैं, देखिए ये घोड़ों के लिए, और छोटे हैं लेकिन घोड़े भी है यहाँ पर। बहुत बड़ी जगह है यार घूमने के लिए, और शांति, बिल्कुल सुकून से रहना है यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। ओहो, इलेक्ट्रिक रिक्शो, ऑटो बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक ऑटो है। जो भी यहाँ पर स्टे करता है उनको पोलो फॉरेस्ट इसी रिक्शा से घुमाते हैं ये लोगों। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ओहो, क्या बढ़िया डॉग है यार, बहुत बढ़िया। और जीप भी पड़ी हुई है, मॉडिफिकेशन की हुई है जीप की, बहुत बढ़िया जीप है। चलिए ये मैं आपको एरिया दिखाता हूँ, प्लेइंग कम, इसको क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन एरिया भी बोल सकते हैं। तो देखिए आप किसी भी फंक्शन के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, या फिर खाना खाने के लिए भी, देखिए बहुत बढ़िया है। बच्चों को खेलने के लिए और प्लेइंग गेम्स भी है यहाँ पर। तो देखिए ये डीजे भी रखा हुआ है, यानी पार्टी भी हो सकती है रात को। तो देखिए आप ये प्लेइंग गेम्स, और ये बहुत ही बढ़िया ओपन थिएटर, अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन यहाँ पे ओपन थिएटर बन रहा है। तो सोचिए ये बनने के बाद कैसा लगेगा, देखिए बहुत बढ़िया। आगे
तो दोस्तों चलिए हमारी पूल पार्टी हो गई है शुरू, और देखिए बच्चे और भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए बच्चों के लिए गार्डन बनाया हुआ है जो 2 फीट पानी में ही है। ये यहाँ पर सिर्फ 2 फीट पानी है तो इसलिए सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, और हमारे लिए अलग से 4 फीट से लेके तकरीबन 6 फीट तक पूरा एरिया है यहाँ पे। बहुत बड़ा पूल है और बहुत आज एंजॉय भी करना है और मज़ा भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पूल पार्टी, बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।